कल यूपीए की मीटिंग में सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुर्सी की अदला बदली हो गई। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी गलती से एक दूसरे की कुर्सी पर बैठ गए। बाद में एसपीजी के दखल के बाद सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री को अपनी अपनी कुर्सियों से उठना पड़ा। इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर शायद ही कभी देखी होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस कुर्सी को अपनी समझ कर बैठे थे वो दरअसल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की थी। नतीजा एसपीजी ने मनमोहन सिंह को सोनिया की कुर्सी से उठा दिया और फिर उस कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठ गईं। कुर्सी के बदलने का ये माजरा दिखा कल प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स पर, जहां सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह यूपीए की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के लिए दो कुर्सियां लगी थी। दोनों आए और एक दूसरे की कुर्सी पर बैठ गए। बात सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की थी, इसलिए एसपीजी अधिकारियों ने आपस में बात की और फिर पहले सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह की कुर्सी से उठाया। सोनिया गांधी कुर्सी से क्यों खड़ी हुई इस बात को प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए। फिर एसपीजी अधिकारी ने प्रधानमंत्री को पास जाकर हाथ के इशारे से बताया कि आपकी कुर्सी ये नहीं बगल वाली है। फिर क्या था, प्रधानमंत्री बड़ी विनम्रता से उठे और मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये देखकर सोनिया गांधी भी मुस्कुरा रही थी। दरअसल सोनिया गांधी कैसे और कहां बैठेंगी ये सब कुछ पहले से तय होता है, इसकी निगरानी खुद एसपीजी करती है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के लिए कुर्सी की ये अदला बदली भले ही मामूली थी, लेकिन एसपीजी के लिए ये एक बड़ी भूल थी। तभी उन्होंने जमे जमाए प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को उनकी कुर्सियों से उठा दिया। मिथिलेश कुमार, इंडिया टीवी, दिल्ली।